दोस्तों शुभमन गिल को आप शानदार बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। आईपीएल 2023 के 62वें मैच में आज डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद का सफर यही खत्म कर इस मैच को जीतकर प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है और अपने खाते में 2 अंक दर्ज कर 18 अंक प्राप्त कर टेबल टॉपर बने। इस मैच में हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और मेहमान टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की टीम ने शुभमन गिल के आईपीएल करियर के अपने पहले शतक और साई सुदर्शन के 47 रन के पारी के बदौलत 20 ओवर में 9 विकेट पर 188 रन बनाए। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि गुजरात की टीम 200 से ज्यादा का स्कोर बना लेगी मगर शुभमन गिल और साई सुदर्शन के अलावा कोई और बल्लेबाज टिक नहीं पाया। 5 बल्लेबाज तो अपना खाता भी न खोल सके। एसआरएच की ओर से भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके। उन्होंने अंतिम ओवर में 1 रनआउट के साथ 4 विकेट चटकाए। वही 188 के टारगेट को चेस करने उतरी हैदराबाद की टीम गुजरात की शानदार गेंदबाजी के सामने 20 ओवर में 9 विकेट पर 154 रन ही बना सके और 34 रन से ये मुकाबला हार गई। एसआरएच की ओर से हेनरिक क्लासेन ने अकेले लड़ते हुए सबसे ज्यादा 64 रन की पारी खेली। उनके अलावा भुवनेश्वर कुमार ही 20 रन का आंकड़ा पार कर सके। वही गुजरात की ओर से मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 4-4 विकेट झटके। वही यश दयाल को एक सफलता मिली। जहां गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में पहुंच गई है वहां बाकी 8 टीमों में अब कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। पॉइंट्स टेबल में 15 अंकों के साथ सीएसके दूसरे नंबर पर, 14 अंकों के साथ एमआई तीसरे, 13 अंकों के साथ लखनऊ चौथे, 12 अंकों के साथ आरसीबी पांचवे, वही राजस्थान, केकेआर और पंजाब की टीमें भी 12 अंकों के साथ क्रमशः छठवे, सातवें और आठवें पोजीशन पर है। वही हैदराबाद और दिल्ली की टीम का 2023 आईपीएल का सफर यही खत्म हुआ है। दोस्तों प्लेऑफ के रोमांच के लिए हो जाइए तैयार और बने रहिए हमारे साथ और आईपीएल की ऐसी ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।